क्या आप सभी लोग भी UGC नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोग भी YouTube पे भरमार वीडियोस देखकर कि बिगनर्स ये करें, रिपीटर्स ये करें, तैयारी ऐसे होती है, वैसे होती है, ये सारे वीडियोस देखकर हो गए हैं कंफ्यूज्ड, हो गए हैं परेशान। आप सभी लोगों को जानते होंगे कि मैं आप सभी लोगों के लिए पिछले काफी समय से जेआरएफ पर्दा पर और इससे पहले भी UGC नेट से रिलेटेड स्ट्रेटजी वीडियोस और ये सारे वीडियोस आपके लिए लेके आती हूं। पर जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, इस वक्त हर एक बच्चा जो UGC नेट एग्जामिनेशन या तो देकर आया है या आगे जाके देने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा पैनिक मोड पे है, कंफ्यूज मोड पे है। भाई जो एग्जाम देके आया उसको तो रिजल्ट की टेंशन है कि क्या होगा, कैसे होगा। जो एग्जाम नहीं देके आया है वो हर तरीके की न्यूज सुन के पैनिक हो रहा है। कहीं कहते हैं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो जाएगी, सिलेबस चेंज होने वाला है, तैयारी यहाँ से शुरू करें, वहां से शुरू करें, ऐसे करें, वैसे करें, बहुत सारा है। थोड़ा गुड हेडेक भी बोल सकते हो कि इतनी सारा रिसोर्स, इतना सारा हेल्प जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आप सभी लोगों के लिए डेवलप होता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए 3 सिंपल स्टेप प्रोसीजर है जो लेके आई हूँ, जो आप सभी लोगों की तैयारी को एक शुरुआत दे सकता है मेरे ख्याल से, या मैं इस वक्त जो चाहती हूँ कि बच्चे का मेंटल फ्रेम बना हुआ है उसमें जो आपका कंफ्यूजन है, जो परेशानी है, शायद उसको दूर करने का एक छोटा सा हेल्प आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरा नाम अदिति है, पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, UGC नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। इसके बाद भी आप सभी लोगों के लिए एकदम मेहनत और डेडिकेशन से बस वीडियो बनाना पसंद करती हूँ, आप लोगों को पढ़ाती हूँ। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है जिस पर एटम 2.0 अपना कोर्स चलता है। मन करे, अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, नहीं तो चलती है, आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं हमारे नए कोर्स के अलावा भी जो हमने नई चीजें आपको ऑफर करनी है उसके बारे में। सबसे पहली चीज जो 3 सिंपल स्टेप मैं आपको समझाना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं हमेशा आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपकी जो गाड़ी है ना, आपका जो जीवन है उसको एक गाड़ी इमेजिन करो, और आपकी जो गाड़ी है उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हमेशा आप बैठे चाहिए। मतलब पहला टेक, पहला दिमाग, पहला कॉल और फाइनल कॉल ये हमेशा आपका होना चाहिए। हम कंप्यूटर साइंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, राइट। और ये चीज हमेशा सीरियलाइजेबिलिटी मतलब कि कितना कंसिस्टेंट आप रह सकते हो, जो भी काम आप कर रहे हो या जो 2, 10, 50 लोग साथ में कोई काम करना चाहते हो उसमें कंसिस्टेंसी कैसे आ सकती है, उसको लेकर थोड़ा बहुत हिंट करती है। डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी, बस ये समझाना चाह रही हूँ कि कंसिस्टेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका फर्स्ट कॉल और आपका फाइनल कॉल हमेशा मैच करना चाहिए जो आपके एस्पिरेशन है उसके साथ। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और बहुत सारी जगहों पर जाके आपने स्ट्रैटेजीज देखे हैं, पर वो सब स्ट्रैटेजीज एक जनरल परसेप्शन पे बनती है। तो स्टेप 1 ये है कि आपको खुद का परसेप्शन समझना है, खुद की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है, आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं समझी ना कि आप क्यों तैयारी करना चाह रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके आने वाले 6 महीने वेस्ट भी हो सकते हैं। थोड़ा हार्श बोलती हूँ पर सच बोलती हूँ, वेस्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे 6 महीने, धुल जाएंगे। क्योंकि UGC नेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जो कि रेलवे, SSC, बैंक या UPSC, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसको पास किया और नौकरी लग गई। ये एग्जाम एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एग्जाम है, ये एक ऐसा एग्जाम है जो आप सभी लोगों को एक काबिल पर्सन बनाने के लिए बनाया गया है। अगर मैं इसके सिलेबस की भी बात करूं तो सिलेबस में वो सारी चीजें इंक्लूड की है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा हिंट करती है, क्योंकि इसका एंड रिजल्ट क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए आज एक शॉर्ट भी डाला था, एक शॉर्ट डाला था कि जितने भी फ्यूचर प्रोफेसर है थोड़ा अलर्ट हो जाओ। हमारे देश की प्रेसिडेंट भी ये बोल चुकी है कि हमारे टॉप 10 या टॉप 50 अगर वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में बात करें तो इंडिया का कोई नहीं आता है, इवन आई थिंक टॉप 100 में भी कोई नहीं आता है, और ये कंसर्नफुल चीज है। क्यों? क्वालिटी की कमी है। तो मेरा स्टेप 2 ये होगा, अपना परसेप्शन सुनने के बाद में क्वालिटी की तरफ जाइए, क्वांटिटी की तरफ मत जाइए। ये बहुत मुश्किल काम है, हम इंडियन मेंटेलिटी से आते हैं और हमें लगता है जहां भीड़ है वहीं कुछ हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने क्वालिटी नहीं समझी, ना तो कॉन्टेंट की क्वालिटी बात कर रही हूँ और तैयारी की क्वालिटी की बात कर रही हूँ। क्वालिटी मतलब ये होता है कि जो आपका पेपर है उसको सामने रखो और जो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसको आप सामने रखो और मैच करो कि कितना तो भाई इसका बताया हुआ आ रहा है और कितना इस किताब का लिखा हुआ आ रहा है, या कितना जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ या जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ उसका बताया हुआ आ रहा है। और ये चीज़ करने में आपको देरी नहीं करनी है क्योंकि आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करिए और ब्लॉकिंग करिए क्वालिटी के बेसिस पर। जितना जल्दी रिसोर्स डिसाइड कर लोगे उतना फ़ायदा आपको। एंड तीसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी डिसाइड करो, जिस पर भी भरोसा करो, उस पर भरोसा मेंटेन करो आपके 6 महीने के। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं
जिसने एक टीचर से पढ़ना शुरू किया और फिर 2 महीने बाद में जहाँ पर देखा कि यार ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, मतलब क्योंकि देखो अभी तो फ्लड आएगा, आज के टाइम में हर कोई ये जो यूजीसी नेट का चैनल बना रहा है, हर कोई ये जो यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहा है, ये आज का एसएससी बन गया है, हर कोई दे रहा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, क्योंकि इतने मास्टर्स डिग्री हो गए हमारे देश में, 4 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो मास्टर्स करते हैं हमारे देश में एक साल में, एक कैलेंडर ईयर या अकेडमिक ईयर बोल रही हूँ। तो आप सोच के देखना, बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है कि ये भी होगा वो भी होगा ऐसे भी होगा वैसे भी होगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपने किसी पे भरोसा किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरे लिए या जेआरएफ अड्डा पे, जहाँ से भी लिया है जैसे भी किया है, अगर भरोसा किया है तो 6 महीने करना। इसीलिए कह रही हूँ कि स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी एनालाइज कर लेना। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिपीटर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे आते हैं जिन्होंने इधर उधर जहाँ से भी उन्होंने कोर्स लेने का मन था उन्होंने लिया और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैम वहाँ सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ मेरा, या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ठीक है ना, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ कमी जेआरएफ अड्डा की प्लेटफॉर्म पर भी आपको हो जाएगी। जैसे मैं अपने टेक्नोलॉजी को लेकर हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि थोड़ा मुझे समय दीजिए, जैसे इस बार कुछ खास होने वाला है, हमने कुछ खास सोच रखा है, खैर उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर PDF कि मैम कभी कभी PDF ऐसे अपलोड होनी चाहिए वैसे अपलोड होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हर प्लेटफॉर्म पर चलती हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोर्स पूरा करवाने की ईमानदारी। अगर मैंने आपको बोला है कि मैं पढ़ाऊंगी तो मैं ही पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ दिखाया जा रहा है और कुछ और हुआ जा रहा है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि क्वालिटी जज करके और फिर आपको ट्रस्ट करना है, और जिस पे ट्रस्ट करना है उस पे जम के ट्रस्ट करना है, उसके साथ में पूरा दिल लगा के तैयारी करनी है, क्योंकि 6 महीने भी कम है यूजीसी नेट की तैयारी करनी। तो ये कुछ 3 सिंपल प्रोसीजर है, चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप लोग रिपीटर हो, आपको बस ये चीज़ समझनी है कि आप सभी लोगों की यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जो तैयारी है ना, अगर आप रिपीट भी कर रहे हो तो भी एक फ्रेश फेस से स्टार्ट करनी है। ये नहीं सोचना है कि यार ये तो मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि आपने जो पढ़ा है ना वहाँ से कैसा सवाल बनेगा ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, नॉट जस्ट एज एन एजुकेटर और एज एन फाउंडर, बट मैं आपको ये चीज़ जनरली एज अ स्टूडेंट समझाना चाहती हूँ कि ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। सब कुछ करके सिलेक्शन अगर हो जाता तो सभी का सिलेक्शन हो जाता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। JRF का मतलब JRF अड्डा, इसको प्रूव करना है, इस बार कुछ वाकई में खास करना है। गुड लक।